हॉरर फिल्म्स देखने का तो मजा ही कुछ और है। भले ही मूवी को देखने के बाद रात में नींद ना आए, बिना लाइट बंद किए सोते ना बने, लेकिन भाई जब कोई खतरनाक और डरावनी मूवी आती है ना, तो उसको थिएटर में देखने जाने का मन तो जरूर करता है। और आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसी 5 मूवीज के बारे में जो कि शापित हैं। जी हाँ, इन मनहूस फिल्मों को बनाने वाले क्रू और एक्टर्स के साथ ऐसी ऐसी घटनाएं घटी हैं जिनको जानकर आप दंग रह जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्या वाकई में इस दुनिया में भूत पिशाच जैसी कोई चीज होती है। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में वायदा किया था कि भाई आपसे हर हफ्ते रेगुलर वीडियोज आएगी, तो वायदे के मुताबिक मैं लेकर आ गया हूँ ठीक एक हफ्ते बाद एक और मिस्टीरियस वीडियो। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, और हाँ, जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं उनको बता दो मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो मेरा दूसरा चैनल गौरव कटारे एक्स्ट्रा। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बिना देरी के शुरू करते हैं आज का फाड़ू वीडियो। तो हमारी लिस्ट पर नंबर 1 मूवी है द ओमेन। ये एक ऐसी मनहूस मूवी है जिसके एक्टर रेगरी पैक और स्क्रीन राइटर डेविड के साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ये दोनों अलग अलग शहरों में प्लेन में सफर कर रहे थे और दोनों के प्लेन पर एक साथ बिजली गिरी। ये बात अलग है, दोनों खुशनसीब थे और दोनों की जान बच गई। और ये तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही एक हादसा इसी मूवी के प्रोड्यूसर के साथ हुआ था जो कि घूमने गए थे रोम और उनके ऊपर बिजली गिरी, लेकिन उनकी जान भी बाल बाल बच गई। लेकिन जानलेवा घटनाओं का ये सिलसिला यहाँ पर नहीं रुका। इस फिल्म के जो लीड एक्टर थे उनको किसी काम से इजराइल जाना था और उनकी फ्लाइट मिस हो गई। बाद में पता चला कि जिस फ्लाइट से उनको जाना था वो क्रैश हो गई और वो फ्लाइट उस कार पर गिरी जिस कार में प्लेन को उड़ाने वाले पायलट की पूरी फैमिली सफर कर रही थी। इस घटना में प्लेन में सवार लोगों के साथ साथ उस कार में जो फैमिली मौजूद थी सभी की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। द ओमेन मूवी के एक्टर प्रोड्यूसर के साथ तो जानलेवा घटना घट चुकी थी, अब बच गए थे इस फिल्म के स्पेशल इफेक्ट डायरेक्टर जॉन रिचर्डसन। ये अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक बार कार से लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे थे और उनकी कार का एक भयानक एक्सीडेंट हो गया जिसमें उनकी गर्लफ्रेंड की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। इस एक्सीडेंट में उनकी गर्लफ्रेंड का गला कट के उसके शरीर से अलग हो गया। और हैरान कर देने वाली तो ये है कि इस मूवी में भी एक ऐसा ही सीन था जहां पर एक कार एक्सीडेंट में कार चलाने वाले का सर धड़ से अलग हो जाता है। तो क्या ये केवल एक कोइंसिडेंस था या फिर ये वाकई एक शापित घटना का हिस्सा था? द ओमेन ऐसी अकेली मूवी नहीं है जिसके कास्ट और क्रू के साथ जानलेवा घटनाएं घटी। हमारी लिस्ट पर नंबर 2 पर आती है मूवी द कॉन्जुरिंग जो कि 2013 में रिलीज हुई थी और आई एम श्योर कि आप सभी ने उसको देखा तो जरूर होगा। इस मूवी की जो लीड एक्ट्रेस थी उनके साथ ऐसी घटना घटती थी कि जब भी वो अपने घर में इस मूवी की स्क्रिप्ट को अपने लैपटॉप पर पढ़ती थी तो लैपटॉप की स्क्रीन बंद करने के बाद उनको अपनी स्क्रीन पर अजीब से पंजों के निशान दिखाई देते थे। इसकी शिकायत उन्होंने मूवी के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से भी की। मूवी के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने उनसे ना डरने के लिए कहा और एक तरीका सोचा कि भाई आप मूवी की स्क्रिप्ट को घर पर ना ले जाएं, उस लैपटॉप को आप सेट पर ही छोड़ दें। उसके बाद से जो एक्ट्रेस थी उसने मूवी से रिलेटेड किसी भी चीज को घर पर ले जाना बंद कर दिया, यहां तक कि वो मूवी के डायलॉग की प्रैक्टिस भी घर पर नहीं करती थी। उसके बाद से मूवी के एक्ट्रेस के घर पर कोई भी डरावनी घटना नहीं घटी, लेकिन मूवी के डायरेक्टर के साथ एक रात को ऐसी घटना घटी जिसने उस डायरेक्टर को सोचने पर मजबूर कर दिया। उनके घर का जो कुत्ता था वो अचानक रात को 3 बजे भौंकने लगा, एक अनजानी चीज की तरफ वो देखकर भौंक रहा था और जब डायरेक्टर ने देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। रात में उन्हें अपने घर में किसी की प्रेजेंस महसूस हुई और वो समझ गए कि कोई अनजानी शक्ति उनके घर में आ चुकी है। फिल्म के बाकी बचे हिस्से का शूट एक होटल में होना था और सभी लोग उस होटल में रुके हुए थे, तभी रात में अचानक उस होटल में आग लग गई। इस आग में किसी की जान तो नहीं गई लेकिन मूवी में यूज होने वाली सारी कॉस्ट्यूम और इक्विपमेंट्स जल गए। लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये थी कि इस मूवी में जो एक हॉन्टेड डॉल एनाबेल डॉल का यूज किया जाना था, आग ने उसका बाल तक बांका नहीं किया। इस घटना के बाद से मूवी में काम करने वाले जितने लोग थे वो और ज्यादा डर गए और बहुत से लोगों ने ऐसी अफवाह भी फैलाना चालू कर दिया कि ये जो एनाबेल डॉल है ये वाकई में एक शापित गुड़िया है और ये होटल में आग लगने वाली घटना भी इसी गुड़िया की वजह से हुई थी। लेकिन मूवी के शूट को नहीं रोका गया क्योंकि आधी से ज्यादा मूवी बन चुकी थी और फाइनली इस मूवी को बनाकर रिलीज किया गया और ये हॉरर फिल्मों में सबसे बेस्ट और हिट मूवी साबित हुई। हॉन्टेड मूवीज की लिस्ट में तीसरे नंबर पर आती है पोल्टरगीस्ट मूवी जो 1982 में रिलीज हुई थी। पोल्टरगीस्ट ये स्पेलिंग लिखी है, मुझे कमेंट में बताना क्या बोलते हैं इसको, पोल्टरगीस्ट या पोल्टरजीस्ट।
ये भी एक हॉन्टेड मूवी थी क्योंकि इसमें जो दोनों लीड एक्ट्रेस थी उनकी काफी कम उम्र में मौत हो गई थी। पहली एक्ट्रेस की जो मौत हुई थी वो गलत दवाइयों के ओवरडोज की वजह से हो गई थी और दूसरी एक्ट्रेस को उसके बॉयफ्रेंड ने गोली मार दी थी। ईयर 1968 में आई थी एक मूवी रोजमेरीज बेबी। ये बहुत ही क्लासिक हॉरर मूवी थी, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो जरूर जाकर उसे देखिएगा। इस मूवी के साथ एक घटना जुड़ी है, जब ये मूवी की शूटिंग चल रही थी तो इसके डायरेक्टर्स को धमकी भरा एक खत मिला था जिसमें लिखा हुआ था कि इस मूवी को छोड़ दो नहीं तो तुम एक ऐसी बीमारी के शिकार हो जाओगे कि तुम जिंदगी भर इस बीमारी से लड़ते रहोगे लेकिन कभी इसको ठीक नहीं कर पाओगे। और मूवी की शूटिंग खत्म होने के बाद इस मूवी के डायरेक्टर को एक अजीब सी बीमारी लग गई जिसके बाद से हफ्ते के 5 दिन उनको हॉस्पिटल में ही रहना पड़ता था। एक उम्र के बाद उनका काफी बुरा हश्र हुआ और उनकी मौत हो गई। तो हॉन्टेड मूवी की लिस्ट में आखिरी मूवी नंबर 5 पर आती है द पजेशन, जो कि 2012 में रिलीज हुई थी और ये भी आपने देखी होगी। इसमें एक बॉक्स का यूज किया गया था जिसको डिबग बॉक्स बोलते हैं, ये एक हॉन्टेड बॉक्स था। और हैरान कर देने वाला फैक्ट ये है कि इस मूवी में रियल डिबग बॉक्स जो कि वाकई में हॉन्टेड है उसका यूज किया गया था। इस मूवी की शूटिंग के दौरान इसके एक्टर्स को एक अजीब सा चेहरा दिखता था जिसकी शिकायत उन्होंने डायरेक्टर से कई बार की थी कि उनको एक अजीब सा डरावना चेहरा दिखता है जिसके हाथ और पैर नहीं है, केवल एक डरावना सा चेहरा है। और साथ ही साथ कई बार इस मूवी की शूटिंग के दौरान इसके सेट पर आग भी लगी और फाइनली एक आग के दौरान वो डिबग बॉक्स जलकर राख हो गया। लोगों का कहना है कि डिबग बॉक्स में जो आत्मा कैद थी अब वो इस बॉक्स से आजाद हो चुकी है। तो ये थी ऐसी 5 हॉरर मूवीज की लिस्ट जो कि वाकई में हॉन्टेड थी। तो एक बात तो साफ साफ है, ये दुनिया जितनी सीधी सादी नजर आती है उतनी सीधी सादी है नहीं। सिर्फ इतना बोल देने से काम नहीं चलता कि हाँ मैं भूतों पर विश्वास करता हूं या मैं भूतों पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जिनका जवाब ना मेरे पास है और ना ही आपके पास। तो आज की वीडियो में जो मैंने आपको 5 फिल्में बताई हैं, अगर इसमें से ऐसी कोई मूवी है जो आपने नहीं देखी है तो जरूर जाकर देखिए। तो यार बस आज के लिए इतना, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर पहली बार चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा दबा देना, और हां मुझे कमेंट करके जरूर 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 बताना कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हो। मिलते हैं अगले मिस्टीरियस और फाड़ू वीडियो में।